नमस्कार दोस्तों, थ्री पिन टॉप कैसे चेंज कर सकते हैं और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कैसे यह आपका थ्री पिन बार बार क्यों जल जाता है, उसका सबका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम थ्री पिन से वायर को अलग कर देंगे क्योंकि ये थ्री पिन खुलता नहीं था। जो थ्री पिन खुलते हैं उसको आप खोल भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी वायर है। किसी भी वायर को आप छीलेंगे, चाहे वो प्रेस की वायर हो, कॉइल की वायर हो, उसके अंदर से तीन वायर निकलेंगे। इसमें तीन वायर है और हम इन वायरों को ज़्यादा बड़ा नहीं छीलेंगे। सब ये गलती करते हैं कि वायर को बहुत बड़ा छील लेते हैं और वायर को ही स्क्रू के अंदर कस देते हैं। देखिए दोस्तों, वो करना क्या है कि जो हरी वाली वायर है उसको हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, बाकी की दोनों जो वायर हैं न्यूट्रल और फेज उनको थोड़ा छोटा कर देंगे और उनको भी थोड़ा थोड़ा छील लेंगे। जैसा कि ध्यान रहे कि वायर की इतनी सी छीलनी है जितनी मैंने आपको दिखाई है। अब देखिए दोस्तों, हमें अपना थ्री पिन टॉप खोल लेना है। आप थ्री पिन टॉप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थ्री पिन की, उसके स्क्रू वगैरह ज़्यादा टाइट करते ही मतलब कि स्लिप मारने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप वायर को ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं और इस वजह से वो लूज़ होकर हिलने लगता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे N लिखा हुआ है और दूसरे वाले पे L लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे N लिखा है वहाँ पे काला वाला वायर जोड़ना है पिन पे, और यहाँ पे L लिखा हुआ है वहाँ पे लाल वाला तार जोड़ना है। अब जो बचा हुआ वाला वायर है ग्रीन वाला, वो हमें ऊपर की तरफ जोड़ना है बड़े वाले पिन के अंदर। तो इसी को हम पलट लेते हैं और हमें ध्यान रखना है कहाँ पे L था कहाँ पे N था, क्योंकि N का मतलब न्यूट्रल होता है और L का मतलब होता है लाइन होता है। तो इसी को हम फॉलो करते हुए हम अपने ये तीनों वायर हैं इनको एक एक करके जोड़ लेते हैं। आप चाहे तो इस ग्रिप को भी आप निकाल के इसमें वायर फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ग्रिप ढंग से लग जाती है तो हमारी जो केबल होती है कितना भी जोर से खींचोगे तो भी वो स्क्रू में से नहीं निकलती है। तो एक थोड़ा प्रॉपर और सेफ्टी का काम हो जाता है। हम स्क्रू के तीनों को खोल लेंगे और ध्यान रखना है कि N वाले में न्यूट्रल लगाना है और L वाले में हमें फेज लगाना है, यानी कि N वाले पे काला वाला वायर लगाना है। इस तरह के देखिए दोस्तों, मैंने काला वाला वायर इसके अंदर लगाना है और हमें ज़्यादा इसको जो ये टर्मिनल है इससे बाहर नहीं निकालना है। कई बार हम क्या करते हैं, लंबा वायर छील देते हैं और उसको आर पार कर देते हैं और जो स्क्रू की दूसरी तरफ से भी आर पार निकल जाता है। तो ये हमें बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी हमें बाहर नहीं निकालना है। अब देखिए दोस्तों, ये ग्रीन वाला वायर है, ये अर्थिंग का होता है। ये अर्थिंग का वायर हमने ऊपर की तरफ इसको लगा दिया है। किसी किसी वायर के अंदर ये अर्थिंग वाला वायर नहीं होता, ग्रीन वाला सिर्फ दो ही वाला होता है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ग्रीन वाला वायर छोड़ देते हैं, बाकी नीचे के दोनों इसमें लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास इसके अंदर जो अर्थिंग वाला वायर कहते हैं इसको, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है प्रेस वगैरह के लिए। तो अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है कि इसके नीचे जो ग्रिप है उसको भी प्रॉपर लगा लेना है। यदि दोस्तों आपका जो वायर बिल्कुल पतला है और ग्रिप से भी नीचे निकल रहा है तो फिर उसमें ग्रिप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार ये जो वायर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है और ग्रिप इसके अंदर ढंग से लग नहीं पाती, पकड़ नहीं पाती। तो उस कंडीशन में भी ग्रिप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी सब खींचेंगे तो भी ये नहीं खींचेगा। तो दोस्तों, अब हमारा थ्री पिन टॉप लग चुका है। अब हम इसके ऊपर का कवर इसके अंदर लगा देंगे और लगाने के बाद में स्क्रू इसके अंदर टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा टॉपिक, प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो। और दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।